हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या फ्रॉम डिप्स मोडा। तो आज मैं आप सबके सामने एक प्रोडक्ट रिव्यू करने जा रही हूँ जो कि एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है एंड ये प्रोडक्ट आपके स्किन केयर में काम आता है। तो अभी जो गर्मियों का मौसम चल रहा है इसमें हमारे फेस बहुत ही ज़्यादा डल हो जाए, मतलब सन रेज की वजह से बहुत ही डलनेस आ जाती है। तो फेस पैक लगाना गाइस वीक में एक बार बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो एक फेस पैक है, उसका मैं रिव्यू आज करूँगी। चलिए आपको प्रोडक्ट का लुक दिखाती हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, दिस इज़ द प्रोडक्ट, इकाई ऑर्गेनिक फ्रूटी सरप्राइज फेस मास्क फ्रॉम द गार्डनर्स ऑफ लोटस। सो ये जो प्रोडक्ट है फेस मास्क है एंड आप देख सकते हो इसका जो पैकेजिंग है, जो प्रोडक्ट है, मतलब कितना कलरफुल एंड क्लासी लग रहा है। पूरे ट्यूब पैकेजिंग में आता है एंड प्लास्टिक की ये ट्यूब है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे बिकॉज इसका कलर्स, इसमें जो यूज़ किए गए हैं कलर्स मतलब पर्पल है, ब्लू है, वाइट है एंड पीछे आप देखोगे तो इसमें स्काई ब्लू यूज़ किया गया है। बहुत ही कलरफुल पैकेजिंग है इसकी एंड बैक पे इसके प्राइस मेंशन किया गया है एंड एवरीथिंग, लाइक इसका क्वांटिटी कितना है एंड कौन से स्किन के लिए सूटेबल है, प्राइस कितना है, एवरीथिंग डिटेल्स आपको बैक पे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन है एंड वो आप अच्छे से रीड कर सकते हो। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ, इसका जो प्राइस है वो 445 का है एंड इस पे भी आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये डिटेल्स इन्होंने पीछे बैक पे बनाया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई एंड ईजी टू अप्लाई, मतलब पहले आपको क्लीन कर लेना है फेस को, उसके बाद आपको एक स्किन पे लेयर लगानी है एंड देन अप्लाई करना है। एंड लुक एट द टेक्सचर, आपको मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ एंड इसका जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। सो गाइस, बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है एंड उसके साथ साथ नियासिनमाइड जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं एंड इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपके एक्ने एंड पिंपल्स को हील करते हैं। विटामिन ई है वो आप ऑलरेडी जानते हो स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, वो आपको सन डैमेज से प्रोटेक्ट। और जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो है नियासिनमाइड। नियासिनमाइड जो है वो आपके स्किन को जो पिगमेंटेशन होते ही ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हील करता है, उसको सही करता है। सो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है एंड ये काफ़ी अच्छा काम करता है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड चलिए मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले अपने फेस को आपको किसी भी माइल्ड क्लींजर से क्लीन कर लेना है एंड उसके बाद ये एक इवन लेयर अपने फेस पे आपको अप्लाई करना है। फेस पे, नेक पे, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो एंड उसके बाद आपको 10 टू 15 मिनट्स तक इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है एंड देन उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर सकते हो। सो गाइज, एज आई सेड, ये जो है ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है एंड ये जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं किए गए हैं, कोई केमिकल यूज़ नहीं किए हैं, क्रुएल्टी फ्री है, तो काफ़ी अच्छा है आपके स्किन के लिए। एंड जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, नियासिनमाइड, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे स्किन के लिए। जब एजिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है तब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे 15 मिनट्स तक वेट करूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए एंड उसके बाद मैं इसे क्लीन ऑफ कर लूँगी तब मैं दिखा। सो गाइस, इकाई के दिस फेस मास्क को आप इकाई के वेबसाइट से और नायका से परचेज कर सकते हो। आई थिंक अमेजन पे भी ये अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो और हर जगह पे आपको 10-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इट मींस आपको 350 के अराउंड में ये प्रोडक्ट पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, मैंने क्लीन कर लिया एंड लुक एट माई फेस, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लग रहा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है
एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट मुझे अपने फेस पे लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा मुझे लगा। एंड आप भी ट्राई कर सकते हो एंड आप मुझे भी फीडबैक बता सकते हो आपको कैसा लगा। एंड आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड ये प्रोडक्ट आप भी यूज़ करके देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताना आपका क्या रिव्यू होता है इस पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।